हेलो एवरीवन आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट और आज हम देखेंगे एलिजिबिलिटी फॉर एफ कैट एग्जामिनेशन यानी कि एफ़ कैट जो कि एयर फोर्स का एक एग्जामिनेशन है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट तो इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि भी किस ब्रांच के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या हमारी आई साइड होनी चाहिए यदि हमारी इतनी आई साइड है तो हम एलिजिबल हैं या नहीं एज लिमिट क्या होनी चाहिए और क्वालिफिकेशंस के बीच में यदि कोई ईयर गैप है तो हम एलिजिबल हैं या नहीं तो हम इन सभी डाउट्स को आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में और एफ कैट की जो भी एलिजिबिलिटी है जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन सभी पॉइंट्स को आज हम डिटेल में कवर करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसके अलावा आपके माइंड में और कोई भी डाउट रहता है कोई भी क्वेश्चन है सो यू आर फ्री टू आस्क दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम ओके देखिये एफकेट एयर फोर्स में एज एन ऑफिसर इन वेरियस ब्रांचेस में ज्वाइन करने के लिए एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं एंड पायलट बन सकते हैं एफकेट मीन्स एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट राइट आज की इस वीडियो में जो हम पॉइंट्स कवर करेंगे रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे कि नेशनलिटी क्या होनी चाहिए जैसे कि आर्मी में नेपाल और अदर कंट्रीज के हिली एरियाज के पीपल को भर्ती कर लिया जाता है तो क्या एयर फोर्स में भी ये लोग एलिजिबल हैं या नहीं आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए कितनी एज तक आप मैरिड होने चाहिए कितनी एज तक नहीं होने चाहिए यदि एक पर्टिकुलर एज लिमिट के नीचे आप पहले ही मैरिड हो जाते हैं तो आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे डेट ऑफ बर्थ आपकी किस सर्टिफिकेट से चेक की जाती है एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए और आपकी वेरियस ब्रांचेज लाइक फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल नॉन टेक्निकल एंड अकाउंट्स ये जो भी ब्रांचेज हैं इन सभी ब्रांचेज़ की हम डिटेल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे कि आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राइट्स और जिन यूनिवर्सिटीज में ग्रेड्स एंड सी सिस्टम है तो उनके लिए परसेंटेज के लिए क्या प्रावधान है क्या क्राइटेरिया होने चाहिए और यदि आपका ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के बीच में गैप है या ग्रेजुएशन के बीच में गैप है तो आप एलिजिबल हैं या नहीं और इसके अलावा और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन सभी पॉइंट्स को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे तो एंड तक वीडियो में बने रहिए और सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझिए बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एफ कैट ओके तो चलिए शुरू करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब एंड बेलाइकन पर क्लिक करना मत भूलिए जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की एफ कैट सी डी एस एंड एनडीए एग्जामिनेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी मटीरियल एंड रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में एस एस बी इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करें क्या हमारी स्ट्रेडजी और प्लानिंग होनी चाहिए इन सभी से रिलेटेड वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने रिटर्न एग्जामिनेशन और एस एस बी में अच्छा परफॉर्म कर सकें और एक बार में ही इन सभी को क्लियर कर सकें एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज वी कीप ऑन प्रोवाइडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑन टेलीग्राम राइट right, तो आपका कोई भी कंटेंट कोई भी क्वेश्चन कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ओके okay, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिटी की तो देखिए इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए कैट एग्जामिनेशन में बैठने के लिए यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया ओके आप प्योरली सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए एक भारत के नागरिक होने चाहिए इसके अलावा और किसी भी देश के नागरिक नहीं होने चाहिए लाइक नेपाल एटसेकट्रा जैसा कि इंडियन आर्मी में गुरखा वगैरह में इन हिली एरिया से जो आ, पीपल होते हैं उनको अलाउ कर लिया जाता है फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए लेकिन इस एंट्री के थ्रू एयर फोर्स में आपको एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए भारतीय नागरिकता आपके पास में होनी चाहिए ओके यू मस्ट बी ए प्योरली सिटीज़न ऑफ इंडिया राइट इसके बाद यदि हम ऐज लिमिट की बात करें ये देखिए काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कैंडिडेट्स के माइंड में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं कि सर हमारी एज इतनी है सो वेदर वी आर एप्लीकेबल और नॉट राइट तो देखिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी मिनिमम एज 20 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 24 इयर्स होनी चाहिए और ये एज आपकी एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग ट्रेनिंग एकेडमी कंसीडर की जाएगी ओके okay? ये नहीं कि जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन आपकी ये डेट होनी चाहिए नहीं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से आपके ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बीच में काफी टाइम होता है आठ नौ महीने का टाइम लग जाता है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होना उसका रिजल्ट आना देन एस एस बी देन मेडिकल एंड देन ज्वाइनिंग लेटर देन योर ज्वाइनिंग राइट तो आपकी जो ये ऐज है ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एकेडमी होनी चाहिए जैसे कि जनवरी के फर्स्ट वीक में कोर्स स्टार्ट होता है ऐट एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी डूडीगल तो आपका फर्स्ट ऑफ जनवरी को वो आपके नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट डेट लिखी होगी कि किस डेट को आपकी एज इतनी होनी चाहिए तो एट द टाइम ऑफ़ जॉइनिंग एकेडमी फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी मिनिमम एज 20 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 होनी चाहिए ये देखिए आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पर ही पता चल जाएगा यदि आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इस रेंज में आ रहे हैं तो आपका फॉर्म भर जाएगा अदरवाइज आपको वहां से आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा आप अगले सेक्शन में नहीं मूव कर सकते ओके okay? और यदि ग्राउंड ड्यूटी की बात करें ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल नॉन टेक्निकल नॉन टेक्निकल में लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स एंड लॉजिस्टिक इन सभी ब्रांचेस के लिए आपकी एज लिमिट ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज ट्वेंटी ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज ट्वेंटी सिक्स ईयर्स होनी चाहिए तो यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल करने के टाइम पर आपकी एज लगभग ट्वेंटी फाइव ईयर्स एंड थ्री फोर मंथ्स ही होनी चाहिए इससे ज़्यादा होगी तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी एज अब ट्वेंटी सिक्स हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल राइट इसके बाद है मैरिटल स्टेटस मैरिटल स्टेटस की बात करें यदि आप बिलो 25 फाइव ईयर्स मैरिड हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एफ़ कैट रिटर्न एग्जामिनेशन और यदि आप एक विडोज विडोवर्स या डाइवोर्स ही हैं और आपकी एज 25 फाइव से कम है तब भी आप एफ़ कैट एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं बिकॉज़ आपने बिलो 25 फाइव ईयर्स मैरिज कर ली थी जो कि पहले वाले पॉइंट का उल्लंघन करता है ओके यू मस्ट बी अनमेरिड बिलो ट्वेंटी फाइव ईयर्स यदि कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट से डेट ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एकेडमी के बीच का जो टाइम गैप है सात आठ नौ महीने का यदि उस टाइम ड्यूरेशन में यदि वो शादी कर लेता है बेशक उसने एफ कैट का रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है उसके बाद एस एस बी इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और मेडिकल और मेरिट सब कुछ क्लियर कर लिया है एंड ही इज़ एब्सोल्युटली रेडी एंड फ़िट फॉर जॉइनिंग ट्रेनिंग एकेडमी लेकिन यदि इस टाइम ड्यूरेशन में उसने मैरिज कर ली है देन द कैंडिडेटचर ऑफ़ दिस कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड ही विल नॉट बी एलिजिबल टू जॉइन ट्रेनिंग एकेडमी और यदि आप ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने के बाद जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है इस टाइम ड्यूरेशन में मैरिज कर लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा और जितने भी दिन के लिए आप वहाँ पर ट्रेनिंग में रहे हैं आपको ट्रेनिंग दी गई है आपका जो भी एकोमोडेशन कॉस्ट होगा जो भी ट्रेनिंग कॉस्ट होगा वो सभी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होगा और आपको ट्रेनिंग से निकाल दिया जाएगा और आप फिर एफकेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे राइट right? And if you are above 25 and you are married, then there is no problem, you are allowed. But during training, no accommodation, no facility will be provided to your family members. All the facilities will be provided to only you who is taking training there. Okay. तो ये है मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड भी कैंडिडेट्स के माइंड में काफी डाउट्स होते हैं तो आई होप आपको ये इससे क्लियर हो गया होगा और यदि इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए एयर फोर्स डेट ऑफ बर्थ आपकी किस डॉक्यूमेंट से चेक करेगी यदि हम इसकी बात करें तो एयर फोर्स जो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करेगी एट वेरियस स्टेजेस चाहे वो एस एस बी इंटरव्यू की रिपोर्टिंग के टाइम पर हो या चाहे वो आपके ट्रेनिंग एकेडमी के ज्वाइन करने के टाइम पर हो राइट right? तो एयरफोर्स जो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करेगी वो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट या सेकेंडरी स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको चेक करेगी उसके हिसाब से यदि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसमें आ रहे हैं रेंज में जो कि हमने एज लिमिट अभी कवर करी है थोड़ी देर पहले देन यू विल बी एलिजिबल अदरवाइज यू विल भी रिजेक्टेड आपने अपने वोटर आई डी कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड या जो भी आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड है उसमें आपने जो मर्जी कुछ भी अपनी एज लिखवा रखी हो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एयरफोर्स विल नॉट कंसिडर इट ओके आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो इन डॉक्यूमेंट्स में जो होगी वो कंसिडर करी जाएगी और यदि आपके पास में इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के कोई सर्टिफिकेट विच इज रिकोगनाइज बाय इंडियन यूनिवर्सिटी इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उस डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर किया जाएगा ऑल राइट right. और यदि यह भी आपके पास में नहीं है तो एक्सट्रैक्ट ऑफ रजिस्टर ऑफ मैट्रिकुलेट्स में बाई ए यूनिवर्सिटी इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उस डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा उसके अनुसार आपकी एज देखी जाएगी ओके और यदि आपके इन सभी सर्टिफिकेट्स में डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है जैसे कि मंथ और ईयर ही लिखे होते हैं एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी होती है कि मंथ में किस डेट को आपका जन्म हुआ था ओके या केवल ईयर ही लिखा होता है मंथ भी नहीं लिखा होता है तो ऐसे केस में जिस स्कूल से आपने अपनी मैट्रिकुलेशन की है उस स्कूल के प्रिंसिपल या हेड मास्टर से आपको एक सर्टिफिकेट लाना होगा एक वेरीफाइड एंड अटेस्टेड सर्टिफिकेट जिसमें आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए डे मंथ एंड ईयर के फॉर्म में राइट right? आपकी स्कूल के रजिस्टर में जो आपका रिकॉर्ड है और जो आपकी वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी उस डेट ऑफ बर्थ को इस सर्टिफिकेट में क्लियर किया जाएगा और फिर इस सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको एयरफोर्स कंसीडर करेगी राइट right? तो आई होप आपको इससे रिलेटेड भी सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे और इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कैंडिडेट्स के माइंड में काफ़ी डाउट्स होते हैं और काफी सारी क्वारीज मिलती हैं ओके okay, तो चलिए अब सभी ब्रांचेस के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए तो देखिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका टेन प्लस टू लेवल पर फिजिक्स एंड मैथ दोनों सब्जेक्ट्स में सेपरेटली मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स होने जरूरी हैं प्लस किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम थ्री इयर्स के डिग्री कोर्स में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसमें मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए या इसके इक्वलेंट होने चाहिए इक्वलेंट मींस यदि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में सी या ग्रेड सिस्टम है तो उस सी और ग्रेड सिस्टम को परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कन्वर्ट करने के बाद में आपकी जो परसेंटेज बनती है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सिक्सटी परसेंट होनी चाहिए यानी कि कम से कम साठ प्रतिशत होनी चाहिए ओके या इसके अलावा यदि ये नहीं है आपकी ग्रेजुएशन में तो टेन प्लस टू लेवल पर फिजिक्स और मैथ में मिनिमम फिफ्टी मार्क्स के साथ में आपने किसी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी ब्रांच में मिनिमम चार साल की बीई या बीटेक डिग्री की हो विद मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स और इक्वलेंट ओके यानी कि आपने बीई और बीटेक की हो मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ में और वो भी टेन प्लस टू लेवल पर फिजिक्स और मैथ में मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स के साथ में ओके okay? देखिए अभी ये फिफ्टी हो गया है पहले ये सिक्सटी हुआ करता था राइट बट नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस टू फिफ्टी परसेंट या इन दोनों के अलावा दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनाटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम ए रिकॉगनाइज यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम ऑफ सिक्सटी परसेंट मार्क्स और इक्वलेंट ओके यानी कि आपके मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स या उसके इक्वलेंट होने चाहिए देखिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए टेन प्लस टू लेवल पर आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यदि आप इस क्वालिफ़िकेशन को इस एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होंगे और आप इस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं राइट right, चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए ग्राउंड ड्यूटी में भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल एंड अकाउंट्स ये वेरियस ब्रांचेस होती है तो टेक्निकल के लिए देखते हैं कि क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तो देखिए ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल ब्रांच के लिए आपका टेन प्लस टू लेवल पर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में दोनों में सेपरेटली मिनिमम फिफ्टी मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ ही ग्रेजुएशन में आपकी किसी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में मिनिमम चार साल की ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम सिक्सटी परसेंट और इक्वलेंट ओके इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि ड्वेल डिग्री कोर्स जैसे कि बी प्लस एम दोनों पाँच साल के होते हैं ये ऑफर किया जाता है इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टूडेंट्स इसको करते हैं छः साल की बजाय ये पाँच साल में दोनों कोर्सेज हो जाते हैं बी प्लस एम तो आपका ये बी और बी में मिनिमम सिक्सटी परसेंट या इक्वलेंट होना चाहिए इक्वलेंट मतलब वही यदि आपका सी और ग्रेड सिस्टम है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद में आपके मिनिमम सिक्सटी मार्क्स होने अनिवार्य हैं और यदि नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपने टेन प्लस टू लेवल को पास किया हो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर वो फिजिक्स और मैथ में फिफ्टी परसेंट लाने वाली कंडीशन नहीं है यहाँ पर बस आपने पास किया हो और इसके साथ आपने किसी एक रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम थ्री इयर्स की डिग्री कोर्स में किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स स्कोर किया हो या उसके इक्वेलेंट मार्क्स स्कोर किए हों यदि आप इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर नॉन टेक्निकल ब्रांच ओके देखिए टेक्निकल और फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका टेन प्लस टू लेवल पर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना जरूरी था ओके okay? लेकिन ये नॉन टेक्निकल के लिए ये जरूरी नहीं है राइट right? एंड अकाउंट्स ब्रांच के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आपने टेन प्लस टू लेवल पास किया हो और किसी भी एक रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स या इसके इक्वल इन नीचे दी गई सभी स्ट्रीम्स में से किसी एक स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की हो ओके okay, अब ये स्ट्रीम्स क्या है ये हम देख लेते हैं तो देखिए आपने मिनिमम थ्री इयर्स कोर्स के साथ में बीकॉम किया हो या आपने फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की हो या फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ में मैनेजमेंट स्टडीज़ में बैचलर डिग्री की हो या फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ में बिजनेस स्टडीज़ में बैचलर डिग्री की हो ओके okay, या इनके अलावा आपने सी ए सी एम ए सी एस या सी एफ ए इन में से कोई एक क्वालिफाई किया हो या आपने फ़ाइनेंस में स्पेशलाइजेशन के साथ में बी की हो तो यानी कि आपने टेन प्लस टू लेवल पास किया हो और इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम्स में मिनिमम सिक्सटी परसेंट के साथ में आपने किसी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो ओके तो आप अकाउंट्स ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होंगे तो देखिए इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि ग्रेजुएशन के लेवल पर आपकी फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन होनी जरूरी है ओके अब देखते हैं कि यदि आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में ग्रेड्स और सी सिस्टम है तो हम ऐसे में क्या करें क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज नहीं होती है आपकी मार्कशीट में लेकिन यहाँ पर जो एफ़ कैट का क्राइटेरिया है इसमें परसेंटेज में, में आपसे मार्क्स मांगे जा रहे हैं तो ऐसे में क्या करें एंड देखिए बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू सम इम्पोर्टेंट थिंग्स एफ कैट एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें क्या स्ट्रेटजी और क्या प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि आप कम समय में तैयारी करके अच्छे स्कोर के साथ में एफ़ कैट एग्जामिनेशन क्लियर कर सकें हाउ टू क्रैक एफ कैट एग्जामिनेशन ओके okay, इन सभी पर हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए एंड एफ कैट एंड डी एंड सी डी एस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं एंड अपकमिंग वीडियोस में हम एफ कैट के लिए मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश कवर करेंगे तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर एनी रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ दीज डिफेंस रिटर्न एग्जामिनेशन और इसके अलावा एस एस बी इंटरव्यूज के लिए हम कैसे तैयारी करें सभी टेस्ट के लिए हमारी क्या स्ट्रेटी और क्या प्लानिंग होनी चाहिए हाउ टू प्रिपेयर हाउ टू क्रैक एस एस बी एंड हाउ टू परफॉर्म वेल इन सभी से रिलेटेड वीडियोज़ भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं और बनाते रहते हैं तो जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इन सभी वीडियोज़ रिलेटेड टू योर एफकेट एग्जामिनेशन एंड एस एस बी इंटरव्यू इन सभी की सेपरेटली कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को जरूर देखिए दीज वीडियोस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर रिटर्न एग्जामिनेशन एंड एसएसबी इंटरव्यू ओके चलिए अब ग्रेड्स एंड सीजीपीए के बारे में बात करते हैं देखिए यदि आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में ग्रेड सिस्टम है तो आपके ग्रेड्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपके यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी उनका सर्टिफाइड प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स बनते हैं उसको उसके हिसाब से कंसिडर किया जाएगा और यदि आपके यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में सी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है तो आपके सी को टेन पॉइंट्स स्केल के हिसाब से कन्वर्ट करके उसको टेन से मल्टीप्लाई करके इक्वल परसेंटेज फाइंड आउट की जाएगी और वही आपकी फाइनल परसेंटेज होगी अब इस परसेंटेज के हिसाब से यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं देन यू विल बी एलिजिबल अदरवाइज़ यू विल नॉट बी एलिजिबल राइट और यदि हम ईयर गैप की बात करें यदि आपके एकेडमिक्स में यदि कोई भी ईयर गैप है बिटवीन ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या आपके ग्रेजुएशन के किन्हीं दो ईयर्स के बीच में कोई गैप है तो ऐसी कंडीशन में हम एलिजिबल हैं या नहीं तो देखिए यदि आपका ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के बीच में कोई गैप है या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में कोई गैप है तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है यू आर एलिजिबल और यदि आपके ग्रेजुएशन के किन्हीं दो ईयर्स के बीच में आपका गैप है तो आपकी डिग्री यदि तीन साल की है तो वो तीन साल की ही होनी चाहिए चार साल की नहीं होनी चाहिए ओके यदि वो तीन साल की है देन देर इज़ नो प्रॉब्लम यू आर एलिजिबल लेकिन यदि वो चार साल की बनती है देन यू आर नॉट एलिजिबल ओके यदि तीन साल का कोर्स है और वो आपका चार साल में बनता है डिग्री में चार साल है देन यू आर नॉट एलिजिबल लाइक इफ़ यू हैव डन बी कॉम यदि ये आपका तीन साल का कोर्स है और यदि आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर या सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में एक ईयर का गैप है और आपकी डिग्री चार साल की बन रही है देन यू आर नॉट एलिजिबल और यदि तीन साल की बन रही है देन देर इज़ नो प्रॉब्लम यू आर एलिजिबल ओके इसके अलावा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए देखिए यदि आप इससे पहले कंप्यूटराइट पायलट सिलेक्शन सिस्टम यानी कि सी टेस्ट में अपियर हो चुके हैं यानी कि अटैम्प्ट कर चुके हैं इस टेस्ट को और इस टेस्ट में आप फेल हो चुके हैं तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं है देखिये सीपीएसएस टेस्ट जो होता है जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए होता है यानी कि पायलट बनने के लिए होता है और ये एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है लाइफ में यदि आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं ओके okay, और यदि पास हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आप मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं और यदि आपने इससे पहले एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन कर ली हो आप वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हो यानी कि आपने एफ़ कैट का एग्जाम भी क्लियर कर लिया हो एस भी क्लियर कर लिया हो मेडिकल भी क्लियर कर लिया हो और ट्रेनिंग एकेडमी भी ज्वाइन कर ली हो और उसमें आपने फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करी हो और यदि आप किसी भी वजह से वहां से सस्पेंड कर दिए जाते हैं तो आप फिर उसके बाद फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं होंगे राइट right? आप दोबारा एफ़ कैट देंगे तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं है फ्लाइंग क्या आप एफ़ कैट के लिए ही एलिजिबल नहीं है फॉर एनी ब्रांच ओके और देखिए यदि आपने इससे पहले इंडियन आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स की कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर ली हो सभी टेस्ट पास करने के बाद में लाइक एनडीए आईएनए आईएमए आई ओटीए गया एंड चेन्नई और यदि आपको किसी भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी की वजह से इन ट्रेनिंग एकेडमी से निकाल दिया जाता है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एफ कैट एग्जामिनेशन ओके एंड इसके अलावा दोज कैंडिडेट्स हु आर डिबार्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फ्रॉम होल्डिंग एनी टाइप ऑफ कमीशन इन डिफेंस सर्विसेज शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एफ़ कैट एंड इफ एडमिटेड देयर कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड और देखिए इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि कभी किसी भी क्रिमिनल चार्ज में आपका नाम आया हो या कोई केस चल रहा हो आपके नाम पर और वो अभी भी चल रहा हो देन इन दिस सिनेरियो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एफ कैट एग्जामिनेशन ओके ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और यदि हम आई साइड की बात करें तो मैक्सिमम आई साइड आपकी 3.5 पॉइंट डायोप्टर होनी चाहिए विच इज़ फॉर ग्राउंड ड्यूटी फ्लाइंग के लिए और भी अच्छी आई साइड होनी चाहिए फ्लाइंग के लिए तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ओके okay? और ये एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है इनको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे हम उसमें देखेंगे कि मेडिकली हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए राइट right? तो देखिए ये है एफकेट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनमें कि बच्चों को काफी ज्यादा डाउट्स होते हैं ये सभी पॉइंट्स हमने अभी तक कवर करे हैं इसके अलावा भी यदि आपके माइंड में कोई डाउट है कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो और ऑन टेलीग्राम आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं वी विल डेफिनेटली रिजोल्व इट और देखिए इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज रिलेटेड टू ऑल डिफेंस रिटर्न एग्जामिनेशन लाइक एफ कैट एनडीए सी डी एस आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी एंड रिलेटेड टू योर एस एस बी इंटरव्यू हाउ टू प्रिपेयर हाउ टू क्रैक योर एग्जामिनेशन एंड एस एस बी इन सभी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट एंड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए राइट आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और एंड स्क्रीन पर जो आप अभी वीडियोज़ देख रहे हैं दीज ऑल वीडियोज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटर्न एग्जामिनेशन एंड एस एस बी इंटरव्यूज एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय फॉर नाउ